नमस्कार दोस्तों, मैं पुरुषोत्तम प्रजापत स्वागत करता हूं आपका केजीएस न्यूज चैनल में। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय के बबोरी खेड़दा में विगत 11 जुलाई को मामूली बात को लेकर रेगर में गुर्जर समाज के दो परिवारों के बीच हुई आपसी मारपीट के मामले को लेकर रेगर समाज के महिला व पुरुष बड़ी संख्या में बजरिया स्थित महावीर पार्क में एकत्रित हुए। साथ ही रेगर समाज के लोग नारेबाजी करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचकर पुलिस अधीक्षक के नाम सीओ दीपक गर्ग को ज्ञापन सौंपा, साथ ही निष्पक्ष जांच करने की मांग की। आइए देखते हैं संवाददाता की रिपोर्ट। आज हम सवाई माधोपुर जिला कलेक्टर पे इस बात पे एकत्रित हुए हैं मुख्यालय पर कि कुछ दिनों पहले 11 तारीख को बम्बोरी गांव के अंदर हमारी समाज के महेंद्र कंवरिया जिसका परिवार घर पे आ रहा था उसके साथ में असामाजिक तत्वों ने जिसके अंदर भाजपा का पूर्व पार्षद जिसके अंदर कुछ असामाजिक तत्व थे वो अचानक हमला बोल दिए। उसके बाद में गुजर परिवार के व्यक्ति थे जिन्होंने हमला बोला। उसके बाद में पूरा परिवार हॉस्पिटल में था, भर्ती था, उनको छुट्टी देकर तुरंत गिरफ्तार उनको भी कर लिया। प्रशासन जिस प्रकार से एक तो दलित परिवार के घर के अंदर मतलब घुसकर असामाजिक तत्वों ने जबरदस्त उन पर हमला किया, उसका वीडियो भी हमने प्रशासन को उपलब्ध कराया कि भाई साहब हमारे घर के अंदर घुसकर हमला किया है, फिर भी प्रशासन का कोई तरीके से कोई वो नहीं है। उल्टा जो पीड़ित परिवार था उसके चार व्यक्तियों को जेल में भेज दिया। आज हम इस बात को लेकर एकत्रित हुए हैं कि ये परिवार असुरक्षित है। आज भी 16 तारीख को इन परिवार के घर पे आकर कुछ लोगों ने धमकी दी है कि तुमको जान से मार देंगे, जाति सूचक शब्द बोलकर कि तुम्हारा इस गाँव छुड़ा देंगे, इस तरह के शब्द बोलकर इन लोगों को धमकी दी जा रही है, असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। हम सवाई माधोपुर के प्रशासन से अपील करते हैं कि हम संवैधानिक प्रणाली पे विश्वास करते हैं तो हमें न्याय चाहिए। हमारा ये परिवार न्याय की उम्मीद रखता है प्रशासन से। तो ताजा खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं।